एसएससी, एमटीएस, सिलेबस 2021। सबसे पहले हम देखते हैं एमटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। एमटीएस को बोलते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ, मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस की फुल फॉर्म होती है। अभी हम थोड़ा सा इसके बताएंगे। ये 90 मिनट का पेपर होता है, 90 मिनट का पेपर होता है। और टोटल जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, और टोटल जो नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.25 पर क्वेश्चन, मतलब 0.25 नंबर की पर क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सिलेबस। सिलेबस क्या क्या होता है एमटीएस का, एसएससी एमटीएस का 2021 के लिए। सबसे पहले आता है जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन, और 25 नंबर के ही आते हैं, मतलब कि हर क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। अब दूसरे नंबर पर आती है रीजनिंग भी 25 नंबर्स की आती है, 25 मार्क्स की, और 25 ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब 25 नंबर की आएगी और 25 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। ठीक है, अब आती है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको हम आसान भाषा में, अपनी भाषा में बोले तो मैथ बोलते हैं। मैथ भी के भी 25 ही क्वेश्चन आते हैं। और 25 ही मार्क्स के आते हैं, मतलब कि 25 क्वेश्चन है, 25 ही नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस भी 25 नंबर्स की आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है कि इतने क्वेश्चन आएंगे और इतने ही मार्क्स के आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 100, और टोटल मार्क्स के 100 ही मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और नेगेटिव मार्किंग होते हैं 0.25 पर क्वेश्चन। ठीक है, और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं कल से, मतलब वीडियो आज आप देखोगे तो आज से ही, 5 फरवरी 2021। से इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन अभी इसकी एंड डेट, लास्ट डेट नहीं पता फॉर्म की क्या है, वो भी जल्दी पता लग जाएगी।